क्रिप्टो कानून के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं जानता हूं कि आज सुबह से ही आप लोग इंतज़ार कर रहे थे, जब से हमने वो ट्वीट किया था कि हम लोग एक बहुत जल्दी एक वीडियो लाने वाले हैं, रिजर्व बैंक के काउंटर एफिडेविट के बारे में हम आप सबको बताएंगे। तो आखिरकार वो पल आ गया। बट आगे चलने से पहले आप लोगों से फिर से एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएं, ताकि आपको फ्यूचर में भी कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट वीडियो हो तो आपको एकदम उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो ये जो वीडियो है, ये है 8 सितंबर को जो काउंटर एफिडेविट फाइल किया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। और ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने काउंटर एफिडेविट फाइल किया था जो इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की पिटीशन जो है उसके अगेंस्ट में। तो एक्चुअल में काउंटर एफिडेविट होता क्या है? तो काउंटर एफिडेविट होता है जो पिटीशन का रिप्लाई जो होता है वो, उसको काउंटर एफिडेविट कहते हैं। और जब काउंटर एफिडेविट फाइल होता है उसका रिप्लाई जब पिटिशनर देगा तो उस रिप्लाई को रिजॉइंडर कहते हैं। तो ये तो हो गई बात काउंटर एफिडेविट की और रिजॉइंडर की। तो आपने देखा होगा अभी इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने थोड़ा सा वक्त भी मांगा था कि हमें रिजॉइंडर फाइल करने के लिए। तो वो रिजॉइंडर कुछ नहीं है, वो उस काउंटर एफिडेविट का रिप्लाई है। तो इस काउंटर एफिडेविट के अंदर बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हैं। बहुत लंबी ये काउंटर एफिडेविट था, इसके अंदर से हमने सारी एनालिसिस करके कुछ पॉइंट्स हमने निकाले हैं। अब हम उन पॉइंट्स को एक एक करके डिस्कशन करते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने सर्कुलर को क्यों सही करार दिया है और उसके फेवर में उसने क्या पॉइंट्स बोले हैं। तो शुरुआत करते हैं और लास्ट में, ये वीडियो को पूरा देखना इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि लास्ट में हम आपको दिखाएंगे कि इस बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कितना ज़बरदस्त होमवर्क किया है। हम आपको कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग एनेक्सेस बताएंगे जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस काउंटर एफिडेविट के साथ लगाए हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो काउंटर एफिडेविट में आरबीआई बोल रहा है, आरबीआई कह रहा है कि क्रिप्टो करेंसीज जो हैं ना तो ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, ना इनके अंदर कोई स्टोर ऑफ वैल्यू है, ना ये यूनिट ऑफ अकाउंट है, और ये बहुत ही ज्यादा वॉलेटिलिटी है इनमें, और ना ही कोई इनमें इंट्रिंसिक वैल्यू है। कोई इनकी खास एडॉप्शन नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया क्रिप्टो करेंसीज के पीछे जा रही है। तो इतने सारे जो क्राइटेरिया है जो एक नॉर्मल एक लीगल करेंसी के अंदर होते हैं, वो उनमें से एक भी ऐसा क्राइटेरिया नहीं है जिसके ऊपर क्रिप्टो करेंसीज खरी उतरती हों। तो जब कोई ऐसी चीज जो सिर्फ इसलिए चल रही है कि दो लोग उसके अंदर बिलीव करते हैं और उसकी वैल्यू डिसाइड करते हैं, तो उस चीज़ को आप ये नहीं कह सकते कि ये एक मास अडॉप्शन ले लेगी, और या ये एक जो फियाट करेंसी है उसको टेक ओवर कर लेगी, या उसके साथ इसको अडॉप्ट करना ज़रूरी है। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जिसमें आप इन्होंने काउंटर एफिडेविट की इस शुरुआत करी है इस पॉइंट से। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जहाँ पे आरबीआई कह रहा है कि आरबीआई ये कह रहा है कि हमने जो इस बार ये जो काउंटर एफिडेविट हम फाइल कर रहे हैं और जो हमने सर्कुलर जो हमने पहले दिया था, तो हमने बहुत सारी रिसर्च करी है, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज को एनालाइज किया कि उनका क्या स्टैंड है क्रिप्टो करेंसीज के और या वर्चुअल करेंसीज के लिए। तो इस बार इन्होंने एक एनेक्चर भी लगाया है जिसमें इन्होंने दो तीन तरह की कंट्रीज को डिफाइन किया है, एक जहां ये कंप्लीटली बैन है, एक जहां पे ये रेगुलेट जहां पे पार्शली रेगुलेटेड है, और एक जहां पे रिस्ट्रिक्शंस हैं, जहां पे इनकी बैंकिंग रिस्ट्रिक्शंस है, जैसे इंडिया के अंदर है वैसी और भी ऐसी कंट्रीज। हम ये सारी कंट्रीज की एनालिसिस जो आरबीआई ने अपने इस एफिडेविट में फाइल की है, वो अनेक्चर लगाया है, वो लास्ट में हम आपको बताएंगे ऐसी सारी कंट्रीज और उनका डिटेल रिव्यू बताएंगे कि कौन कौन सी कंट्रीज आरबीआई ने इसमें मेंशन करी है। तीसरा पॉइंट आरबीआई अपने काउंटर एफिडेविट में कह रहा है कि कोर्ट का काम नहीं है, कोर्ट ऑनरेबल जो कोर्ट है वो इस चीज का एक्सपर्ट नहीं है, वो इकोनॉमिक और मॉनेटरी पॉलिसी का एक्सपर्ट नहीं है। मॉनेटरी और इकोनॉमिक पॉलिसी का जो एक्सपर्ट है वो आरबीआई है और जो डिफरेंट एजेंसीज है गवर्नमेंट की। तो ये जो काम है ये आरबीआई को
कर लेने देना चाहिए, इसके अंदर कोर्ट को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, उसको इंटरफेयर इज नॉट अ राइट वर्ड, उसको हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, बिकॉज इसके प्रोज एंड कॉन्स को वो वे नहीं कर पाएगा कोर्ट। तो इसलिए ये पॉइंट भी इन्होंने मेंशन किया है। उसके बाद एक पॉइंट है जो चौथा पॉइंट आरबी जो एफिडेविट में मेंशन है कि जो एक्सचेंजेस हैं, जो प्लेटफॉर्म है, वहां कस्टमर प्रोटेक्शन के लिए कोई खास ठोस कदम नहीं उठाए होते। तो वीसी जो वर्चुअल करेंसीज होती हैं, जो एक्सचेंजेस कभी हैक हो जाती हैं, कभी वहाँ पे फंड्स जो है वो चोरी हो जाते हैं, कभी वहाँ पे आपका साइबर सिक्योरिटीज़ के इशू हैं, वहाँ पे सेफ्टी नहीं होती, तो कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन ही नहीं है तो उसमें अल्टीमेटली कंज्यूमर का नुकसान होता है। तो इसलिए भी इसको जारी रहने देना ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये कह रहा है अपने काउंटर एफिडेविट में कि पूरी दुनिया के अंदर आरबीआई ने एक एनेक्चर लगाया, फिर से हम उसको लास्ट में एक बार आपको दिखाएंगे। तो उस एनेक्चर को लगाने का पर्पस ये है, आरबीआई ये कह रहा है कि पूरी दुनिया में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहां पे बहुत सारी एक्सचेंजेस हैक हुई हैं पास्ट में, और या तो हैक हुई है या किसी तरीके से वहां पे जो इन्वेस्टर था उसकी वर्चुअल करेंसीज का पता ही नहीं लगा कहां गई, या तो हैक हो गई या चोरी हो गई, तो जिसके अंदर उन्होंने काफी सारी एक्सचेंजेस का हवाला दिया है। अगेन इसका जो होमवर्क है जो इस बार आरबीआई ने किया है वो हम आपको अभी इस लास्ट में आपको दिखाएंगे उसका होमवर्क। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं, क्योंकि कोई सेफगार्ड नहीं है, कोई कॉल सेंटर नहीं है, कोई कस्टमर डिस्प्यूट्स के लिए कोई नहीं है, कोई ग्रीवियांस है, कोई भी आपका किसी भी तरह की जब सिक्योरिटी नहीं होती और जिसकी वजह से जब कंज्यूमर अपना फंड्स खो देता है तो ओवरऑल उसका अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस होता है डिजिटल करेंसीज के साथ। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जब उसका एक वर्चुअल करेंसीज के साथ अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस की वजह से उसका ओवरऑल डिजिटल पेमेंट सिस्टम पे से विश्वास उठता है, उसको ऐसा लगता है कि डिजिटल पेमेंट सिस्टम जो है कि इनसिक्योर है, और इससे अच्छा तो ये है कि मैं डिजिटलाइज या डिजिटल सिस्टम की तरफ ना जाऊं क्योंकि ये अनप्लेजेंट होता है। तो उसका ओवरऑल विश्वास उठता है, जो कि हमारे देश के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी सरकार और हमारे देश ये चाहती है कि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा जो इकोनॉमी है वो डिजिटाइज हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग डिजिटल पेमेंट्स करें, जिसके लिए हम जानते हैं कि जो करंट सरकार है वो उसको बढ़ावा भी दे रही। तो ओवरऑल अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस की वजह से लोगों का विश्वास ना उड़ जाए, इसलिए इसको रिस्ट्रिक्शंस को लगाना बहुत ज़रूरी था। अगले पॉइंट पे आते हैं जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यह हवाला दिया है कि आप कॉइनेज एक्ट को उठा लीजिए, जो कॉइनेज एक्ट है हमारा कानून जो कहता है, और फेमा को उठा लीजिए, उन दोनों की डेफिनेशन के हिसाब से वर्चुअल करेंसीज ना तो कॉइन है, ना करेंसी है, ना इंडियन करेंसी है, ना फॉरेन करेंसी है, ना पेमेंट सिस्टम है। तो जब आप उस डेफिनेशन के अंदर फिट ही नहीं होते तो आप इसे कॉइन नहीं कह सकते, ना इसे करेंसी कह सकते हैं, ना इसे इंडियन करेंसी कह सकते। जैसे कि मैं आपको अगर एक लाइन जहां पे उन्होंने लिखा है कि सिंस वीसी डू नॉट एग्जिस्ट इन द फिजिकल फॉर्म ऑफ एनी मेटल और एनी अदर मटीरियल स्टैम्प्ड बाय द गवर्नमेंट और एनी अदर अथॉरिटी एम्पावर्ड बाय द गवर्नमेंट। तो जब ये डेफिनेशन में आती ही नहीं है वर्चुअल करेंसीज, तो इनको करेंसी के साथ तुलना करना इनकी ये बिल्कुल गलत है, और इसीलिए इन पे रिस्ट्रिक्शन लगाना जरूरी था। उसके बाद हम अगले पॉइंट पे आते हैं जिसमें आरबीआई कह रहा है कि जो सबसे पहली जो करेंसी थी क्रिप्टो करेंसी वर्चुअल करेंसी वो बिटकॉइन थी, और बिटकॉइन का होल सोल पर्पस जो था, जिस इंटेंशन, जो पहली इंटेंशन थी उसको बनाने के पीछे, वो थी एनोनिमिटी। और ये जो एनोनिमिटी है इसकी वजह से आप टेररिस्ट फंडिंग कर सकते हो, इससे आप साइबर सिक्योरिटी के इश्यूज क्रिएट होते हैं,
इससे आपके आप किसको पैसा भेज रहे हो देश में, कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ पैसा जा रहा है, आप ब्लैक मनी को बढ़ावा मिलता है, बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो किसी भी देश के लिए, किसी भी सरकार के लिए अच्छी बात नहीं है, ये उसके लिए खतरा बन सकते हैं। इसीलिए इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाना बहुत ज़रूरी था। थोड़ा सा रुख बदलता है आरबीआई अगले पॉइंट में, यहां पे कह रहा है कि ये सब बातें तो मैं कह रहा हूं, लेकिन मैं एक चीज और यहां पे कहना चाहता हूं। आरबीआई अपने काउंटर एफिडेविट में कह रहा है कि मैं फाइनेंशियल सॉल्यूशन जो है, जो टेक्नोलॉजी और डिजिटल इनोवेशन के अगेंस्ट नहीं हूं। ऐसा नहीं है कि मैं टेक्नोलॉजी और जो डिजिटल इनोवेशन हो रही है पेमेंट सिस्टम्स में या पैसे के लेन देन में, मैं उसके अगेंस्ट हूं, नहीं। वो ये कह रहा है कि प्रेजेंट सिचुएशन में कोई सोल्यूशन नहीं दिख रहा है, वर्चुअल करेंसीज का जो थ्रेट है उसको कैसे कर्ब किया जाए, वो आरबीआई के नजर में उसको प्रेजेंटली नहीं दिख रहा है। प्रेजेंट वर्ड यूज हुआ है यहां पे। तो जब तक वो नहीं दिख रहा है तब तक उसने ये स्टैंड लिया है, बट टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के वो अगेंस्ट नहीं है। पूरे वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको फिर से ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारे लोगों की कंफ्यूजन दूर करेगा। आरबीआई ये कह रहा है कि मैं एक रेगुलेटर हूं और हर एक रेगुलेटर की एक एंटिटी होती है। तो मेरी एंटिटीज बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, कॉरपोरेटिव बैंक्स हैं, एनबीएफसीज हैं। तो ये जो सर्कुलर है ये उन पे लागू है। इस पेरिफेरल के बाहर, इस डोमेन के बाहर कोई एंटिटी है या कोई डील करता है बिटकॉइन में या पोजिशन है, तो आई डोंट हैव एनी बिजनेस विद दैट, राइट? तो देर इज नो कंप्लीट बैन, ये वर्ड यूज हुआ है उसने अपनी काउंटर एफिडेविट में, बोला है देर इज नो कंप्लीट बैन। सो इट्स अ वेरी वैलिड, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगेन थोड़ा सा अपनी रुख में नरमी लाते हुए आरबीआई कह रहे हैं कि इट इज नॉट अगेंस्ट ब्लॉकचेन एंड वर्चुअल करेंसीज आर फॉर वर्चुअल करेंसीज यूज्ड ब्लॉकचेन फॉर रिकॉर्ड कीपिंग। मतलब वो इसमें ये कह रहा है कि ब्लॉकचेन के अगेंस्ट नहीं है आरबीआई, इनफैक्ट उसकी कुछ एंटिटीज ने इसको अपने यहां लागू किया है, जैसे कि कोटक महिंद्रा बैंक ने और कुछ बैंक्स ने, और वो इससे बहुत खुश है और काफी एफिशिएंसी आई है। वर्चुअल करेंसीज जो है वो एक पार्ट है, एक छोटी सी एप्लीकेशन है ब्लॉकचेन की, वो भी वो इसलिए कि रिकॉर्ड कीपिंग के लिए। तो ये कहना कि ब्लॉकचेन जो है वो एग्जिस्ट तभी करेगा जब वर्चुअल करेंसीज रेगुलेट होंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वर्चुअल करेंसीज और ब्लॉकचेन अलग अलग चीजें हैं जो आरबीआई ने अपने काउंटर एफिडेविट में बोला है। अगला पॉइंट है कि नो रिस्ट्रिक्शन ऑन यूज ऑफ ब्लॉकचेन इंडिपेंडेंट ऑफ वीसी। मतलब अगेन ब्लॉक इसमें फिर से वो ब्लॉकचेन के बारे में वो कह रहा है कि ब्लॉकचेन अगर कोई यूज करना चाहता है, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हिंदुस्तान में, कोई बैंक यूज करना चाहता है, कोई स्टार्टअप यूज करना चाहता है, तो वो ब्लॉकचेन को यूज कर सकता है, वो उसके अगेंस्ट नहीं है। कहीं पे भी ये सर्कुलर ब्लॉकचेन को ग्रो करने से या उसकी ग्रोथ में हिंड्रेंस नहीं है, तो ये उसने क्लियरली मेंशन किया है कि कोई भी इसको यूज कर सकता है। बशर्ते कि वो वर्चुअल करेंसीज में डील ना करता हो। उसके बाद आपका आता है कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंट्रोल ऑफ प्राइस वॉलेटिलिटी। आरबीआई का एक बहुत बड़ा कंसर्न है जो अपनी इसमें फाइल रिप्लाई में बोल रहा है कि प्राइस वॉलेटिलिटी ये किसी के भी कंट्रोल में नहीं है। एक इनोसेंट सा इन्वेस्टर एक्सचेंज पे जाता है, अपनी गाड़ी कमाई को इन्वेस्ट करता है, कुछ ही पलों में या महीने में या दिनों के अंदर कई बार जो करेक्शन है वो 80% की करेक्शन आ जाती है, और उस वॉलेटिलिटी का कोई रीजन नहीं होता, किसी के कंट्रोल में नहीं होता। तो जिसकी वजह से ये सेफगार्ड करना बहुत ज़रूरी है कि वर्चुअल करेंसीज आर हाईली वॉलेटाइल एंड किसी भी कंट्री के अंदर किसी भी कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी इसको कंट्रोल नहीं करती, तो इसलिए इसको
इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाना बहुत ज़रूरी है। एक्सचेंजेस कहती हैं कि हम तो KYC कंप्लायंट हैं। अगर आप किसी भी एक्सचेंज से पूछो, हम तो जी KYC कंप्लायंट है, तो उसने RBI ने उसका भी एक इस पॉइंट पे जवाब दिया है कि मान लिया कि आप KYC कंप्लायंट हैं, ठीक है, आपकी KYC कंप्लायंस के बाद जो इन्वेस्टर है उसने वर्चुअल करेंसीज का पोजीशन लिया, उसने खरीदा आपके प्लेटफॉर्म से, उसके बाद वो किस किस को दे रहा है, किसको भेज रहा है, चाहे वो देश के बाहर भेज रहा है, देश के अंदर किसी को भेज रहा है, ये तो एनोनिमस है। इस एनोनिमिटी को कहां से पकड़ेंगे, कैसे पता करेंगे कि वो एड्रेस किसका है, क्या है? तो इसको भी एक मुद्दा बनाते हुए ये RBI ने बोला कि KYC कंप्लायंट होने से ये नहीं प्रूव हो जाता कि आप एनोनिमिटी को खत्म कर रहे हो। एनोनिमिटी वहीं की वहीं है, हाँ सिर्फ आप KYC से इतना जरूर है कि कौन खरीद रहा है यही पता कर सकते हो, बट उसका लेन देन को ट्रैक नहीं कर सकते, तो जो कि RBI ने अपने इस एफिडेविट में बोला है। लास्ट पॉइंट जिसमें RBI ये कह रहा है कि RBI ने दिमाग लगाया है, ये सर्कुलर इशू करने से पहले उसने बहुत रिसर्च करी है, बहुत दिमाग लगाया, और उसने ये ऐसे ही इम्पल्स होके या कोई ऐसे ही बैठे बैठाए ये फैसला नहीं ले लिया। इनफैक्ट RBI का कहना है कि जब उसने सर्कुलर इशू नहीं भी किया था, पेटिशनर ने ये डिस्क्लोज नहीं किया, मतलब इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया को वो कह रहा है कि इन्होंने ये डिस्क्लोज नहीं किया है कि मेरे सर्कुलर आने से पहले भी मेरी जो एंटिटीज हैं, जो मेरे बैंक्स हैं, उन्होंने कई अकाउंट्स को क्लोज किया। जैसे यस बैंक है, उसने काफ़ी अकाउंट्स को क्लोज किया था, HDFC बैंक, ICICI बैंक, इन लोगों ने मेरे सर्कुलर से पहले भी ये क्लोज करते थे, और मेरे सर्कुलर के आने के बाद तो ऑब्वियसली सब ने कर लिया। तो ऐसा नहीं है कि मेरे सर्कुलर के आने के बाद ही प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं, मेरे सर्कुलर जो आया है वो एक रिसर्च पे आया है, और इसके ना आने से पहले भी एक मेरे बैंक्स एंटिटीज ने स्टेप लिया था। ये बात कहीं ना कहीं उन्होंने इसलिए लिया कि मीडिया में एक बहुत खबर पहली थी जो RTI की एक एप्लीकेशन लगाई थी वरुण सेठी जी ने, ब्लॉकचेन लॉयर है, उन्होंने उस रिप्लाई में ये आया था कि नहीं कोई ऐसी रिसर्च नहीं हुई थी जी सर्कुलर इशू करने से पहले, तो उसका कहीं ना कहीं ये जवाब मिला है कि नहीं बहुत प्रॉपर रिसर्च है, बहुत ज़्यादा होमवर्क है। अब लास्ट में जैसा कि आपको बोला था होमवर्क पे चलते हैं कि होमवर्क क्या क्या होमवर्क किया है, क्या क्या एनेक्शन लगाए। सबसे पहले एनेक्शन में जो लगाया है, सबसे पहले कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में वर्चुअल करेंसीज का क्या क्या महत्व, क्या स्टैंड है और वहाँ पे क्या हो रहा है। दूसरा, इसको एक बार स्टडी कर लेते हैं, पेज नंबर 46। तो इसमें कंट्रीज के नाम दिए हैं, तो एक कैटेगरी बताइए जहाँ पे वर्चुअल करेंसीज बिल्कुल इलीगल है, जिसमें बांग्लादेश, अफगानिस्तान, अल्जीरिया, बोलीविया, इक्वाडोर, मोरक्को, कतार, वियतनाम, मैसेडोनिया। फिर एक कैटेगरी बताइए RBI ने कि जहां पे रिस्ट्रिक्शंस हैं वर्चुअल करेंसीज में, जैसे कि चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर। फिर एक तीसरी कैटेगरी बताइए, उसने कोर्ट को बताने की कोशिश करी RBI ने, जहां पे लिमिटेड रेगुलेशन है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, कैनेडा, जापान, साउथ कोरिया, फ्रांस, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, USA, थाईलैंड, जहाँ पे लिमिटेड रेगुलेशन है, जहाँ पे कुछ रेगुलेशंस आ गई हैं। तो ये RBI ने होमवर्क किया है, बहुत डिटेल में बताया है हर एक कंट्री में क्या स्टैंड है। मैं आपको वो टाइम के कम रहते नहीं बता सकता, बट हर कंट्री में वो एक्सप्लेनेशन दी है। उसके बाद इन्होंने एक अनेक्सर लगाया है कि कौन कौन सी एक्सचेंजेस हैक हुई हैं, जिसकी काफ़ी डिटेल स्टडी करी है RBI ने और उसको लगाया है। मैं आपको बताता हूँ वो डिटेल स्टडी जी। सबसे पहले बता रहे कि साउथ कोरिया की एक एक्सचेंज है, 35 बिलियन वॉन वहाँ से चोरी हो गए थे। फिर एक साउथ कोरिया की कॉइन रेल है, इंडियन बिटकॉइन एक्सचेंज कॉइन सिक्योर को भी मेंशन किया बाय द वे, जहाँ पे कह रहे हैं $3 मिलियन का हैक हुआ था। जापान की कॉइन चेक, साउथ कोरिया की यो बिट, फिर एक लाइट बिट बिटकॉइन एक्सचेंज, हांगकॉन्ग की बिटफिनिक्स, $65 मिलियन, बेंगलुरु बेस्ड यूनोकॉइन वॉज सब्जेक्टेड टू अ वाइड स्प्रेड हैक इन August 2017, बिट हम साउथ कोरिया की, टोक्यो की माउंट कॉक्स, ये सारी एक्सचेंजेस के बारे में बताया कि ये सारी की सारी एक्सचेंजेस हैक हुई हैं। काफ़ी अच्छी रिसर्च करी है, लेट मी टेल यू।
उसके बाद इन्होंने अपने एनेक्सचर में लगाया है, जो कि बहुत ही, इसको अगेन उनकी इनका होमवर्क ही कहेंगे, जहां पे ये कह रहे हैं कि हमने जी स्टेटमेंट्स भी लगाई हैं जो दुनिया के जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, फाइनेंशियल हेड्स हैं और प्रेसिडेंट्स हैं, प्राइम मिनिस्टर्स हैं, वो वर्चुअल बिजनेस हाउसेस के जो सीईओज हैं वो वर्चुअल करेंसीज के बारे में क्या कह रहे हैं, उनकी स्टेटमेंट्स अगर मैं देखूं तो ये सबकी स्टेटमेंट लगाई हैं जो बिटकॉइन के अगेंस्ट हैं। तो उनमें सबसे पहले ये बोल रहे हैं जी अरुण जेटली जी के बारे में, थेरेसा मे, विलियम डडले, बिल गेट्स, क्रिप्टो करेंसी, वॉरेन बफे, वो तो हमेशा ही क्रिप्टो करेंसीज के अगेंस्ट रहे हैं, जैक मा कह रहे हैं बिटकॉइन हावर कुड बी अ बबल, ब्रायन मोनिहन सीईओ ऑफ बैंक ऑफ अमेरिका, चार्ल्स मंगर बर्कशायर हैथवे वाइस चेयरमैन, वो अगेंस्ट में बोल रहे हैं, रूबिनी, रघु राम राजन फॉर्मर आरबीआई गवर्नर, उनका कोट किया है, कैन वी हैव कॉन्फिडेंस इन अनसीन अननोन सेंटर्स हु मेंटेन द वैल्यू ऑफ करेंसी और एन एल्गोरिथम दैट विल मेंटेन द वैल्यू ऑफ द करेंसी, वी नीड मोर क्रेडिबिलिटी। सो जितने भी लोग हैं, फ्रांस जेरेमी ग्रैंथम, जोसेफ स्टिग्लिट्स, तो ऐसे सारे लोगों की इन्होंने स्टेटमेंट्स लगाई हैं जो क्रिप्टो करेंसीज के अगेंस्ट में जो बोलते हैं। तो ये था हमारी आज का स्पेशल पेशकश, स्पेशल कवरेज। और हमेशा की तरह आपने देखा होगा कि क्रिप्टो कानून ने हमेशा आपके पास खबर को सबसे पहले पहुंचाने की कोशिश करी है और सबसे एक्यूरेट खबर पहुंचाने की कोशिश करी है, और ऐसी स्टोरीज को ब्रेक किया है जो आज से पहले कभी उनको ब्रेक नहीं किया गया था, आज से पहले कभी उनको डिस्कशन नहीं किया गया था। तो ये भी उनमें से एक ऐसी स्टोरी कि जो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो दो रिक्वेस्ट करूँगा, एक शेयर करिएगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप्स के अंदर, दूसरा आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्या आपके आपका व्यू पॉइंट क्या है, आरबीआई को कुछ आप बात कहना चाहते हैं, कोई आपका पॉइंट है उसको कमेंट्स में लिखिएगा। तीसरा आप इसको सब्सक्राइब करिएगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। चौथा बेल बटन दबाना मत भूलिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आप कोई एक इम्पॉर्टेंट वीडियो देखने से महरूम रह जाए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा, अगली बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, ओके।